देश में तमाम ऐसे नेता हैं जो वोट बटोरने के लिए आपके पैरों में गिर जाएंगे और आसमान से चांद तारे तोड़ लाने की भी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव में जीत हासिल करते हैं सबसे पहले अपनी झोली भरनी शुरू कर देते हैं और 5 साल के कार्यकाल के बाद उनकी कोठी बननी शुरू हो जाती है। लेकिन इसी देश में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो 3 बार से विधायक हैं लेकिन आज तक खपरेल के घर में रहते हैं, उन्हें पक्का घर तक नसीब नहीं हुआ और ये विधायक कोई और नहीं बाबूलाल खराड़ी है। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक विधानसभा सीट है झाड़ोल, जहां से विधायक हैं बीजेपी नेता बाबूलाल खराड़ी। वो तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 बार के विधायक होने के बावजूद बाबूलाल खराड़ी आज भी किसी आम शख्स की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, महंगे बंगले नहीं बल्कि खपरेल के घर हैं, जहां वो आज भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक बाबूलाल खराड़ी की इसी सादगी भरी जिंदगी ने राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया को उनके घर जाने पर मजबूर कर दिया। आमेर विधानसभा सीट से विधायक होने के साथ साथ राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले सतीश पुनिया कुछ ही दिनों पहले बीजेपी विधायक बाबूलाल खराड़ी के घर गए, जहां उन्होंने बाबूलाल के परिवार के साथ कुछ वक्त बिताया और उनके साथ भोजन भी किया, जिसकी एक छोटी सी वीडियो बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की है, जिसमें वो जब बाबूलाल खराड़ी से पूछते हैं कि आप इतने ईमानदार क्यों हैं, इसके जवाब में बाबूलाल ने बताया इसकी वजह संघ से मिले संस्कार है। इस समय हूँ उपलाथला, जो कोटड़ा तहसील के उदयपुर जिले के गांव में है। मेरे साथ में बाबूलाल जी खराड़ी है। कदमे छोटे लग रहे होंगे लेकिन इनका काम बड़ा है। मुझे बड़ी उत्सुकता थी बहुत बरसों से कि मैं बाबूलाल जी के गांव आऊं, आज मुझे सौभाग्य मिला और परिवार का भी मैं ऋणी हूं कि जिन्होंने मुझे मक्के की रोटी और उड़द की दाल खिलाई। पर इसके दौरान मुझे उत्सुकता हुई कि बाबूलाल जी का मकान 3 बार विधायक बनने के बाद ऐसा क्यों है, तो मैं बाबूलाल जी से सवाल पूछ रहा था कि बाबूलाल जी, लोग राजनीति में सुचिता की ईमानदारी की बात करते हैं तो आप इतने ईमानदार क्यों हैं? ये संघ की शाखा से जो संस्कार मिला है, जिसके कारण से ये सारी चीजें मेरे। बाबूलाल खराड़ी ने साल 1987 में बीजेपी के जरिए राजनीति में कदम रखा और अब तक 5 बार बीजेपी उन्हें विधायकी का टिकट दे चुकी है, जिसमें से 2 बार तो उन्हें पराजय मिली लेकिन 3 बार बाबूलाल खराड़ी ने जीत का परचम भी लहराया और आज भी वो झाड़ोल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। बाबूलाल से जब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पूछा कि क्या राजनीति में ईमानदार रहकर भी काम चल सकता है, इसके जवाब में बाबूलाल खराड़ी ने तबाक से बीजेपी के दिग्गज नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। राजनीति में ईमानदार रह के भी काम चल सकता है? चल सकता है। काफी लोग हैं जो आज भी देश में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, हमारा केंद्र तो जो भी है। ये सब आपकी प्रेरणा है? हाँ, बहुत कोई प्रेरणा। इनको आपने देखा होगा बचपन से। राजनीति में कब से और क्यों है? राजनीति में संघ के कार्य से मुक्त करके 1987 में मुझे राजनीति का दायित्व दिया था, युवा मोर्चा का मंडल चुनाते हैं, तब से अभी तक चल रहे हैं राजनीति में। विभिन्न दायित्वों में पार्टी के रहते हुए काम किया और पार्टी ने मुझे आज 5वीं बार MLA का टिकट दिया, 2 बार हारा और 3 बार में जीता और प्रधान भी रहा उस कोटा का। तो आपको राजनीति में काम करके अच्छा लगता है? लोगों के लिए, लोगों की सेवा है, जनता आप संतुष्ट हैं कि जो भूमिका आपको है जनता के लिए, जनजाति के लिए आप काम कर रहे हैं? संतुष्ट हूँ और जनता का भी मुझे आशीर्वाद मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है और उससे मैं खुश हूँ। इस जनजाति क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप बड़े अरसे से जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या सोचते हैं कि जनजाति के समाज के लोगों के उत्थान के लिए और क्या किया जा सकता है? क्या आपका सोचना, क्या आपका सपना क्या है कि मैं चाहूंगा इस हैसियत में कि ये काम और हम लोग करें? देखिए, ये
तीन बार विधायक रहने के बावजूद आज भी झोपड़ी में रहने वाले बीजेपी नेता बाबूलाल खराड़ी के बारे में एक और रोचक बात बता दें। करीब 2 साल पहले सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह उड़ गई थी, यहाँ तक कि उनके समर्थक श्रद्धांजलि देने लगे थे और उनके पास शुभचिंतकों के फोन भी आने लगे थे, जिसके बाद खुद बाबूलाल खराड़ी को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। बहरहाल, विधायक होने के बावजूद बाबूलाल खराड़ी जिस तरह से आज भी सादगी भरा जीवन जीते हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।